Hello friends, welcome to my YouTube channel Hyderabadi Tadka. I am your cooking expert Safiya. आज फिर एक नई डिश के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, वो है क्रिस्पी चिकन। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 1 किलो चिकन, विनेगर 1 टेबलस्पून विनेगर, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टेबलस्पून, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, ये चाट मसाला 1 टीस्पून, हसबे जायका नमक, एक अंडा मैंने ली, इसको फेटेंगे, फेट के डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है दही, दही को मैंने फेंट ली, ये भी डाल देंगे, इसमें काजू भी डाली मैं, काजू और दही, हसबे जायका नमक डालेंगे मैं। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा मिक्स हो चुका है, चिकन पीसेस डाल रही हूँ, चिकन ऐसा कट्स लगा के रखें ताकि मसाला इसके अंदर तक चले जाए। इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। हमारा मसाला अच्छे से लग चुका है चिकन को, ये बहुत टेस्टी बनेगा, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। मेरे हर मसाला होममेड रहते, बिरयानी का मसाला, नहारी का मसाला, हर मसाला मैं होममेड ही बनाती हूँ, आपको सिखाऊंगी भी इंशाल्लाह। ये आपको डस्टिंग करने के लिए ब्रेड क्रम्स है, मैदा है, कॉर्नफ्लोर है, थोड़ा सा नमक है, इसको मैं मिक्स करके रखती। ये हम चिकन फ्राई करने के टाइम मैं इसमें डस्टिंग करूँगी, करके डीप फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 घंटे हो चुके हैं, मैरिनेशन के लिए मैं छोड़ दी थी, अभी मैं इसको डस्टिंग करूँगी।
ये है कॉर्नफ्लोर है, ब्रेड क्रम्स है, थोड़ा सा नमक है, इसको मैं अच्छे से मिक्स करके रख लूँ। इसी तरह सारे पीसेस को मैं ये लगा के साइड में रखूँगी, फिर इसको डीप फ्राई करेंगे। ये बहुत टेस्टी बनने वाली है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी तरह सारे चीज पीसेस को मैं ये मिक्स करके रख दूँगी। इस तरह मैंने मिक्स करके रख दी, इसको मैं डीप फ्राई करूँगी। ये चिकन क्रिस्पी है, इसमें लगा बहुत टेस्टी बनती। इसको इसी तरह सारे पीसेस को चिकन को मैं फ्राई करके निकालूँगी। फ्राई हो चुके हैं, बहुत क्रिस्पी है ये। आप एक चिकन खाएंगे तो आप केएफसी भी भूल जाना इंशाल्लाह। इसी तरह सारा चिकन में फ्राई कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल, बेल आइकन एक्टिवेट करिए। थैंक यू।